हाय, आज हम बात करेंगे इंग्लिश और इंडियन लोगों के बीच में कौन स्मार्ट है. यू नो, इंडियंस आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर पीपल. यू नो व्हाट डू वी डू? कोई गलती हो जाती है, हम कहते हैं उसने ऐसा किया, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है. मैं अभी ना दिल्ली नहीं आया. अरे, हमने दिल्ली जाना था या दिल्ली ने यहाँ आना था? गुस्सा अंदर है तो बाहर आया या किसी ने दिलाया? और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं आई एम एंग्री. डू वी से एंगर इज कमिंग, एंगर हैज कम फ्रॉम आउटसाइड? वी डोंट टॉक लाइक दिस. वी जस्ट से आई एम एंग्री. सो दैट मीन्स एंगर इज विद इन. हम कहते हैं आई हैवंट रीच्ड दिल्ली. मैं दिल्ली नहीं पहुंचा हूँ. और अदरवाइज हम क्या कहते हैं? अभी दिल्ली नहीं आया. सो हम हमेशा, आई थिंक हमारी लाइफ, इंडियंस की लाइफ कुछ ऐसे ट्रेंड होती है कि हम एक मिनट में दूसरे पे गलती डाल देते हैं. हम बहुत ये चीज़ें समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर पाते हैं. एक बार बहुत फनी बात हुई कि एक मैं होटल में थी तो मेरे साथ एक बहुत स्पिरिचुअल यू नो लीडर थे. तो बात कर रहे थे और हमने नीचे डिनर करने के लिए जाना था. तो वी वर ऑन 10th फ्लोर और डिनर के कुछ कूपन्स थे. तो जब हम लिफ्ट में पहुंचे तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कूपन्स हैं, क्योंकि अदरवाइज हमें दोबारा 10th फ्लोर पे आना पड़ता कूपन्स लेने के लिए. तो उन्होंने चेक किया और बोला, तुमने पहले क्यों नहीं याद दिलाया? आई सेड सॉरी, मेरी गलती. तो बेसिकली हम हमेशा ये समझते हैं दूसरे को कुछ करना था जो उसने नहीं किया, इसलिए ये गलती हो गई. ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं होता. अगर जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे 100% कि मैंने गलती की या मुझे चेंज होना है और मैं कर सकता हूँ, कुछ चेंज नहीं होगा. गालिब ने ठीक ही कहा है, ता उम्र मैं ये गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. थैंक यू.